Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तो गल होनी नहीं ना केयो नाल, कोई गल नहीं, तेरे दिल दी गल ना मैं कह दिंदा। बाबा खड़ जा, एक मिनट खड़ जा बस। हां होगी होगी यार, तू पागल है। यार किरत ने मैसेज रीड भी कर लिया, ये तो चंगी गल है ना, उन्हें तेरे दिल की गल पता लग जूगी, ते उदे दिल च जो भी होया उन्हें दस देना। होए डिलीट क्यों किया? आकी मैसेज डिलीट भी करता? हो सकता सरताज के दिमाग दे विच कुछ होर ही चल रहा होवे, ऐसे डिलीट कर दिता होना मैसेज। सरताज ना दिल का बहुत ही वधिया मुंडा, जे उन्हें मैसेज डिलीट किया तो यदा मतलब वह अजे कन्फ्यूज है कीरत लिए अपने फीलिंग्स में लैके। मैनू भी ना हुण कीरत नूं ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए जी। सारा मैं समझती हूँ कि अजकल कुड़ियाँ अपने दिल की गल पहला दस सकदियां हैं, पर मैं सरताज से कोई प्रेशर नहीं पाना चाहती। तेनू पता है उसकी मम्मी ने ना उसको सुसाइड करने की धमकी दी थी। हाँ शायद सरताज ने भी ऐसे लिए मैसेज डिलीट किया, ताही मैं सरताज को फोर्स नहीं करना चाहती। हाँ किरत तेनू जितना सही लगता तू उवें कर, ते वैसे भी आप सरताज वालों कुछ कहने की वेट करते हैं। मैं भी उही कह रही हूँ सारा, तेरी 9:30 बज के किरत मैनू घर जाना चाहिए। चल 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 कुत्ता, तेरे प्रभजोत आंटी ने तेरे लिए गिफ्ट भेजा। चल ठीक है मैं चल दी हूँ। बाय अंकल जी, बाय आंटी जी। ठीक है पुत्र, बाय। चल जी। किरत प्रभजोत आंटी ने गिफ्ट इसलिए भेजा ना क्योंकि वो खुश नहीं कि तू इत्थे जा रही है। मैनू तो पहला ही पता सी कि वो मैनू बिल्कुल पसंद नहीं करते, ते गिफ्ट इस दे नाल ता होर भी कन्फर्म हो गया कि वो बहुत खुश ने कि मैं इत्थों जा रही हूँ। कोई गल नहीं तू फिक्र ना कर, सब कुछ उदा ही होएगा जिदा आप चाहते हैं। ठीक है चल बाय बाय। गुरमन एक कीरत ली उसकी जिंदगी का सब तो वधिया मौका बाहर जाके स्टडी करन दा। ठीक है मनिंदर जी, जे तुसी कहने हो तो मैं चाहती सी कि इस बार आप बसंत पंचमी शम्मी ते उहदे परिवार नाल मनाउंदे, पर जदों मैं इत्थों दूर चली गई ते प्रभजोत आंटी ने शम्मी अंकल नूं मम्मी पापा तो दूर कर देना, ते प्रभजोत आंटी ने मम्मी पापा नाल सही तरह बिहेव भी नहीं करना। मम्मी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुहानूं छड्ड के जाण दा। नहीं पुत्र तू जा, तू बाहर जाके स्टडी कर ते अपना सपना पूरा कर। हाँ जी मम्मी ठीक है, चलो मैं ना हुन सौन जानी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट पुत्र। हेलो। हाँ हेलो कीरत। हाँ सरताज। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कीरत तू कुछ कहा नहीं? मतलब? मेरे फोन तो बॉबी ने तेनू कोई मैसेज करया सी, तू पढ़िया नहीं?
सारा कोल सीगा मेरा फोन, पर उन्हें मैंने कुछ दसिया नहीं मैसेज बारे। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। शुक्र है कीरत ने वो मैसेज नहीं पढ़िया। अच्छा सुन, कुछ नहीं पासो, वो मैं मैसेज डिलीट करता सी, वो बॉबी ने भी मजाक करे सी तेरे ना। अच्छा कीरत, मैं तेरे ना कोई गल करनी सी। कह देना सरताज कि तू मैनू नहीं जान देना चाहता, मैनू भी पता चले कि तेरे दिल विच मेरे वास्ते की फीलिंग्स है, मैं भी जानना चाहनी हूं। किवें कहां कीरत मैं? अच्छा कल बसंत पंचमी है ना कीरत? अच्छा की प्लान है फिर तेरा? यार मेरा तो कोई प्लान नहीं, मैं तो घर ही रहूंगा। अच्छा मेरी गल सुन, कल अपा सारे कॉलेज फ्रेंड्स 7-स्टार रिजॉर्ट विच मिलिए। हाँ कीरत ये ठीक रहूगा, इससे बहाने बसंत पंचमी भी सेलिब्रेट हो जाएगी तो अपा सारे फ्रेंड मिल भी लवांगे। हाँ मैनू कल कीरत नू मिलन दा मौका भी मिल जू, ते शायद मैं कल उन्हों अपने दिल दी गल कहन दी हिम्मत भी कर सका, इस तो पहला कि कीरत इत्थों चली जाए। चल ओके बाय। बाय लगता भूआ जी ने मेरी सारी गल सुन ली। असीं इत्थे बैठे बसंत दा प्लान बनाई जाने ते उधर उधर पतंगा उड़ाइया जा रही ने। तू जदों भी कुछ बोलदी है ना मेरे तो सिर उपरों दी निकल जांदी है। करे तू सीधा सीधा बोल लिया कर, साफ साफ दस की कहना चाहनी है। सरताज ते किरत दी गल सुन ली मैं, जो फोन ते कर रहे सी। की गल कर रहे सी ओ? भाभी किरत ते सरताज ना पतंगबाजी करने लिए मिल रहे ने, ते सरताज उहदे बाहर जाण तों बहुत दुखी है। मतलब वो किरत जान बूझ के बाहर मिलन दा प्रोग्राम बना रही है ताकि सरताज नूं अपने जाल च फसा सके। हर्षप्रीत तू नाल जाएंगी? हाँ अब पतंगा दे बहाने किधरे अपनी डोरा एक दूजे नाल तां नहीं मिला रहे, पर पिछली बारी भी कीरत ने सरताज नूं अपनी साइड कर ली ते मैं वेखती रह गई। हर्षप्रीत तू इस बारी कल्ली नहीं जाएंगी, मैं अपने सारे वाली उत्थे रेस्टोरेंट बुक कर दी हां ते आपा लवली आंटी नूं भी नाल ले लैने आ। यही ठीक रहेगा, जे असीं उत्थे होवांगे तां कीरत सरताज तों दूर रहेगी। तुसीं सारे चले जाओ, मेरे च हिम्मत नहीं है तुरन दी। हुण कल मैं अपना प्लान बनाऊंगा। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।